नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। संसद के बजट सत्र के दूसरे भाग का आज 15वां दिन है और सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले हम हाजिर हैं दोनों सदनों में आज होने वाले कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हमारे खास कार्यक्रम संसद में आज के साथ। हम आपको बताएंगे कि दोनों सदनों के एजेंडे में कौन से महत्वपूर्ण कामकाज शामिल हैं, ये भी दिखाएंगे कि किन संसदीय समितियों की रिपोर्ट्स रखी जानी है और प्रश्नकाल के दौरान सांसद कौन कौन से सवाल पूछने वाले हैं। इसके अलावा दोनों सदनों में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या रणनीति रहने वाली है, उस पर भी रहेगी हमारी निगाह। संसद के एजेंडे से जुड़ा हर अपडेट देने के लिए संसद भवन परिसर में मौजूद है हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता और सूरज मोहन झा, दोनों का स्वागत है। वहीं स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड के राजमहल से जेएमएम के लोकसभा सांसद विजय कुमार हांसदा। विजय जी, आपका स्वागत है। और आंध्र प्रदेश से टीडीपी के राज्यसभा सांसद कनक मेदला रविंद्र कुमार जी। कनक मेदला रविंद्र कुमार जी, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद से भी हम लगातार बातचीत करेंगे, वो भी स्टूडियो में मौजूद है। संसद में आज के एजेंडे पर अगर आगे बढ़ें, उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी वितरण प्रणाली के संबंध में गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम से जुड़ा संशोधन बिल लोकसभा के एजेंडे में शामिल। विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे पेश विधेयक में ऐसे हथियारों के वित्त पोषण पर रोक लगाने के प्रावधान। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 राज्यसभा की कार्य सूची में शामिल। राष्ट्रीय राजधानी के तीनों नगर निगमों के एकीकरण का प्रस्ताव लोकसभा से विधेयक को मिल चुकी है मंजूरी। यूक्रेन की स्थिति के बारे में लोकसभा में नियम 193 के तहत होगी चर्चा। आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन और कांग्रेस के मनीष तिवारी उठाएंगे मुद्दा। श्रम और रोजगार मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब राज्यसभा के एजेंडे में शामिल। हम राज्यसभा और लोकसभा की आज के एजेंडे पर विस्तार से डालेंगे नजर और अपने मेहमानों से भी उस पर खास चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर दोनों सदनों में कल क्या कुछ हुआ उस पर डाल लेते हैं रिकैप के जरिए। दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 को चर्चा के बाद कल लोकसभा की मंजूरी मिल गई। वहीं उच्च सदन में असम से 2, केरल से 3 और नागालैंड से 1 समेत 6 नव निर्वाचित सांसदों ने राज्यसभा सदस्यता की शपथ ली। हालांकि ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के मुद्दे पर विपक्ष के अवरोध की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। दोनों सदनों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन पेश किए गए। लोकसभा में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के लिए 2-2 सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव भी पेश किया गया। संसद के आज के एजेंडे की बात करें तो दोनों सदनों की कार्यसूची में अहम कामकाज शामिल है। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज लोकसभा में क्या कुछ रहने वाला है खास पर। यूक्रेन की स्थिति के बारे में नियम 193 के तहत चर्चा लोकसभा में होनी है। संविधान, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2022 विचार और पारित किए जाने के लिए एजेंडे में शामिल। विदेश मंत्री एस जयशंकर सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली विधि विरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिच्छेद संशोधन विधेयक 2022 पेश करेंगे। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में बयान देंगी। सभा पटल पर मंत्रालयों और विभागों से संबंधित अहम पत्र भी रखे जाएंगे और प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाएंगे। साथ ही सदस्य नियम 377 के अधीन मामले उठाएंगे। लोकसभा में कई अहम संसदीय समितियों के प्रतिवेदन शामिल हैं। इनमें लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन, सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का प्रतिवेदन, श्रम वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन शामिल है। सीधा रुख करते हैं अपने सहयोगी अमरेंद्र की ओर। अमरेंद्र, अगर बात करें अभी तक के कामकाज की तो बहुत बेहतरीन रहा है लोकसभा में कामकाज। आज का दिन कितना विशेष है? प्रतिबिंब, आज का दिन जिस तरह से बजट के दूसरे चरण का ये आखिरी सप्ताह है और कामकाज के लिहाज से खासा अहम माना जा सकता है। कुल मिला के जिस तरह की तस्वीर भारतीय जनता देखनी चाहती थी संसद की, वो तस्वीर सदन में देखने को मिला और कामकाज काफ़ी अच्छा हुआ। और अगर आज के लिस्ट ऑफ बिजनेस की बात करें तो आज लोकसभा में काफ़ी अहम सवाल प्रश्नकाल में लगे हुए हैं, जिसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय से जुड़ा हुआ एक अहम सवाल है। जिस तरह से आपको पता है कि
भारत की लगभग 65% जो आबादी है वो कृषि आधारित कामों पे निर्भर करती है और लगभग 13.5% जो जीडीपी है वो कृषि आधारित क्षेत्रों से आता है। तो उससे जुड़ा हुआ एक अहम सवाल आज लिस्टेड है जिस पर माननीय सांसद जानना चाहेंगे कि भारत की कृषि आधारित नीति क्या है। जिस तरह से बजट को लेकर पिछले दिनों चर्चा भी हुई तो कृषि आधारित नीतियों की चर्चा की जाएगी। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण और मत्स्य पालन से जुड़े हुए कई सवाल हैं। एक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से जुड़ा हुआ सवाल भी आज के कार्यसूची में है जिसमें प्रिंट मीडिया को लेकर किस तरह के सरकार की गाइडलाइन है उसको लेकर एक सवाल किया जाना। जिस पिछले दिनों आपने देखा होगा कि मीडिया को लेकर काफ़ी सारे सवाल उठाए थे जिसमें वेबसाइट पे जो खबरें प्रकाशित की जाती थी उसको लेकर। जी हाँ, हम आपको रोकना चाहेंगे। विधानमंडल के सदस्यों से जुड़े हुए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष, अगर बात करें अभी तक की कार्रवाई की, अब अंतिम सप्ताह है बजट सत्र के दूसरे भाग का और जो महत्वपूर्ण कार्य था बजट पारित करने का वो हो चुका है। उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे विधेयक पास हो चुके हैं लोकसभा में। अभी तक की कार्रवाई को कैसे देखते हैं आप? धन्यवाद। जिस तरह से अगर आप देखेंगे कि हमारे स्पीकर साहब भी उस बात को रख रहे थे कि लोकसभा हमारा बढ़िया तरीके से चले और उसमें डिस्कशन हो और जितने भी हमें बिल्स पास करने हैं वो पास हो, तो अभी तक का जो अगर आप देखेंगे तो जो आवर्स हम लोग अगर देखने को मिलेगा तो लोकसभा बहुत ही अच्छा लंबा चल रहा है और जितने भी उसमें बिल्स पास होने हैं या डिस्कशंस होने हैं बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में लगातार हो रहा है और पक्ष हो विपक्ष हो सब समूह का ये प्रयास रहता है कि सदन अच्छा से चले और कार्य आगे बढ़े। एज फार एज राज्यसभा इज कंसर्न, राज्यसभा इज इन फुल फ्लो बट डिसरप्शन केम आउट yesterday and speed somewhere stop this procedure. What's your reaction? No, yesterday on price rise they have to issue by opposition parties issue notice under rule 267 that was not allowed by the chairman. Then they started demanding for discussion and pressed for it. Then the honorable chairman rejected it and automatically adjourned the matter. But due to that, some important discussions, 0 hours, star questions, and also the discussion and debate on the bills also, lost. Most of the members lost their opportunity to express their grievances before the House. That was an unpleasant atmosphere in the House. KV Prasad ji, एक पत्रकार के तौर पर आप लगातार जो है सदन की कार्रवाई पर नजर बनाए रखते हैं। अभी तक की कार्रवाई में लोकसभा से ज़्यादातर विधेयक पारित हो चुके हैं, अब जो है स्टेक है कहीं ना कहीं राज्यसभा का और इसलिए राज्यसभा के जो सांसद हैं बीजेपी के उनको व्हिप जारी किया गया है। कांग्रेस की जो पार्लियामेंट कमेटी है उसमें भी बहुत खास मंत्रणा हुई है, खास बैठक हुई है, कितना महत्वपूर्ण है ये आखिरी सप्ताह? देखिए, सरकार की तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि जो बिल वो पारित कराना चाहते हैं जो कि लोकसभा से निकल गए हैं और जैसे आज राज्यसभा के कार्यसूची में दो बिल महत्वपूर्ण उन्होंने रखे हुए हैं सूची में और अगर वो चाहेंगे वो पास करा सके। और अभी तक आप देखा जाए राज्यसभा में भी तकरीबन बहुत शांत वातावरण में और सुचारू रूप से राज्यसभा की कार्रवाई चली है। पिछले कुछ दिनों में विपक्ष की ये कोशिश रही थी कि वह कीमतों को लेकर खासकर पेट्रोल के दाम को लेकर अपनी बात रखें और जनता के बीच में जो आंदोलन है उसके ऊपर बात करें। मेरे ख्याल से चेयरमैन साहब ने ये रूलिंग की थी कि ये सत्ता विपक्ष जो है ये बजट के दौरान इस मुद्दों को उठा सकते हैं अलग से, तो ये टकराव की स्थिति उस तरह से बनी और शायद वो वजह थी कल स्थगन नहीं हुआ, सदन नहीं चल पाया। लेकिन ऐसा नहीं रहेगा कि यही रहेगा क्योंकि तो बिल जो है राज्यसभा में जो दो बिल हैं वो ज़रूरी है लेकिन मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक तो दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, क्योंकि दिल्ली में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का विलय करना और साथ ही साथ चुनाव करवाने की प्रणाली शुरू करनी है तो उस पर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। सरकार की तरफ से प्राथमिकता वो रहेगी और कॉस्ट अकाउंटेंसी बिल जो कि पास हो चुका है लोकसभा से वो भी निकल जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा बिल नहीं है। लेकिन जो दूसरा बिल है जो कि कल लोकसभा में पास हुआ है शायद कल तक उसमें आ सकता है, जो कि ये अमेंडमेंट किया जा रहा है, नए किस्म से कानूनी प्रावधान किया जा रहा है कि जो अंडर ट्रायल्स के और जो ट्रायल में जो कन्विक्स जो होते हैं उनके जो डेटा जो इकट्ठे करने की बात हुई है जो कि कल सदन में लोकसभा में
तो मेरे ख्याल से वो एक महत्वपूर्ण बिल है जिसके ऊपर नजर रहेगी। जी नजर रहेगी, और गृहमंत्री ने कहा कि तकनीक का समावेश करना बेहद आवश्यक है क्योंकि जो प्रावधान अभी तक रहे हैं वो तकरीबन 100 साल पुराने हैं। अब हम अपने दर्शकों को बताते हैं राज्यसभा के एजेंडे में आज क्या कुछ खास रहने वाला है। राज्यसभा के लिए हाल ही में नवनिर्वाचित सांसद आज उच्च सदन की सदस्यता की शपथ लेंगे। श्रम और रोजगार मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब आज भी सदन की कार्यसूची में शामिल है। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 जिसका जिक्र यहां पर किया जा रहा है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरी संशोधन बिल 2022 और संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन बिल 2022 विचार और पारित किए जाने के लिए एजेंडे में शामिल है। केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव भी पेश किया जाना है। सभा पटल पर मंत्रालय और विभागों से संबंधित अहम पत्र रखे जाएंगे और प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल भी पूछे जाएंगे। राज्यसभा में भी कई अहम संसदीय समितियों के प्रतिवेदन भी पेश किए जाने वाले हैं। इनमें लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन और श्रम वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन शामिल हैं। सीधा चलते हैं सूरज मोहन जहां हमारे सहयोगी मौजूद हैं संसद भवन परिसर में। अभी तक बात चल रही थी कि ज़्यादातर विधेयक लोकसभा से तो पारित हो गए हैं, अब बचे राज्यसभा। राज्यसभा की कार्यवाही इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है, और एक विधेयक है दिल्ली नगर निगम के एकीकरण का, वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है सूरज क्योंकि लंबित हैं चुनाव दिल्ली MCD के, इसलिए क्या कुछ हो सकता है आज सदन के भीतर, क्योंकि व्हीप जारी की गई है बीजेपी के सांसदों को और मंत्रणा जारी है कांग्रेस के माननीय सांसदों की एक कमेटी के द्वारा। बिल्कुल प्रतिबिंब, हमने देखा था पिछली जो बिजनेस एडवाइजरी की मीटिंग हुई थी और जिस तरह से संसदीय कार्य मंत्री ने सूचित किया था कि 8 विधेयक जो हैं वो राज्यसभा में इस सप्ताह के लिए सूचीबद्ध हैं, जिसमें कई महत्वपूर्ण विधेयक जैसे MCD का विधेयक है और क्रिमिनल प्रोसीजर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है और 2-1 संविधान संशोधन आदेश जो हैं से जुड़े हुए विधेयक हैं। तो ये 8 जो सूचीबद्ध हैं, और उसमें हमने देखा कल महंगाई के मुद्दे पर नियम 267 के तहत विपक्ष के कुछ सांसद चाहते थे कि कार्यसूची को निलंबित करके महंगाई पर चर्चा हो, लेकिन कल हमने देखा उस गतिरोध के कारण सदन नहीं चल पाया था। आज ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि आज से सुचारू रूप से चले, और जो विधायी कामकाज, चूंकि लोकसभा से विधेयक पारित होकर राज्यसभा में आ रहे हैं और अब 4 ही दिन बचे हैं राज्यसभा में इस बजट सत्र के, तो ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए सारे विधेयक यहां पर पारित होंगे। अगर आज के कामकाज की हम प्रतिबिंब बात करें तो प्रश्नकाल में भी हमने देखा काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल आज लगे हुए हैं, चाहे वो कॉरपोरेट अफेयर्स से हों, जिसमें आकांक्षी जिले जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनको लेकर CSR जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ा हुआ फंड होता है उसको लेकर महत्वपूर्ण सवाल आज लगा हुआ है। हमारे साथ स्टूडियो में सांसद रविंद्र कुमार मौजूद हैं, इन्होंने आंध्र प्रदेश के राजकोषीय विधेयक से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण सवाल आज इनका सूचीबद्ध है। साथ में स्वास्थ्य मंत्रालय से आज 2 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल और भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन 2 विषय काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। एक, हमने दूसरी लहर के दौरान जब देखा था ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौतों की बात कही गई थी, तो आज उस बाबत सवाल पूछा गया है। दूसरा, COVID-19 के टीकाकरण की स्थिति को लेकर भी महत्वपूर्ण सवाल आज की प्रश्न सूची में शामिल है। इसके अलावा आज जो है महत्वपूर्ण दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाएंगे। शून्यकाल में काफी महत्वपूर्ण और जनहित के मुद्दों को सांसद उठाएंगे, और विधायी कामकाज की जैसा आपने बात किया, चार्टर्ड सूरज आज थोड़ा सा समय कम है क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष अपने उद्गार प्रकट कर रहे थे, तो वो हम लोगों ने दर्शकों के साथ साझा किए हैं। मैं अपने विशेषज्ञ मेहमानों के पास फिर से लौटता हूं और वापस आपके पास आऊंगा कुछ और अपडेट्स के लिए। रविंद्र जी, आपका जिक्र यहां पर किया हमारे जो है सहयोगी सूरज मोहन झा ने कि योर क्वेश्चन इज लिस्टेड टुडे एंड वी हैव लेफ्ट ओनली 4 डेज इन राज्यसभा एंड लोकसभा एंड वी हैव टू पास 7 वेरी इंपॉर्टेंट बिल्स। व्हाट इज योर Yes, I raised a supplementary question with regard to the financial administration by the government of AP and borrowing the excess limits of FRMB 11. And also other important bills are there to be passed in the ensuing Lok Sabha for only 3 days or more. But all the debates have time has already allocated by the Honorable Chairman with regard to the discussion. Due to loss of the time in yesterday, it may not possible to complete within the time the debates, but chartered accountant bills and criminal amendment bill and the scheduled caste in Tripura's bill, that bill is also there, that all the bills are required to be debated.
and discussions are required. If the all the members and the including opposition and the chairman has organized in a well manner to conduct in an, if the house is in order, everything will be completed within a short time. But that we will, have to speed up. But the time is we have to, members have to cooperate to reduce the time and give an advice in an appropriate by adjusting their party timings, etc. जी 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 केवी प्रसाद जी, यहाँ पर जैसा कि हमारे सहयोगी ने भी बताया कि केवल चार दिन बाकी हैं, सात विधेयक हैं, बहुत महत्व के विधेयक हैं जिसका जिक्र आप भी किया, क्या क्या संभावना आप देखते हैं इन चार दिनों के भीतर? देखिए, एक बारी सलाह बन जाती है तमाम सारी पार्टियों का, और अक्सर देखा गया है कि सदन में फैसला हो जाए और सदन के बाहर जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने टाइम नियुक्त कर दिया है तो अक्सर ये भी देखा गया है कि देर सवेर बैठ के सांसद जो है अपना कार्रवाई करके बिल पारित करा लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वक्त जाया हो गया तो उसको मेकअप नहीं करते, देर से बैठ के कार्य करते हैं, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक आम राय बनी होती है उसके ऊपर ये काम होता है। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, एक बिल जो कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट है जो कि कल लोकसभा में भी पारित हुआ, वहाँ पूरे विपक्ष ने उसको विरोध किया कई सारे मुद्दों पर, तकनीकी मुद्दों पर, तो उस पर कहीं ना कहीं लग रहा है, लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, अभी कोई स्पष्ट नहीं है कि विपक्ष की क्या नीति रीति रहेगी यहाँ पे, क्योंकि वे लगातार ये डिमांड करते आए हैं विपक्ष की पार्टियाँ कि इसको स्थायी समिति के पास भेजा जाए, क्योंकि लोकसभा में हुआ नहीं, राज्यसभा में क्या वो क्या रुख अपनाएंगे ये देखना है। जी, आपने जैसा कहा विजय कुमार जी कि सदन की कार्रवाई बहुत ही सुचारू रूप से चली है और बहुत बेहतरीन काम हुआ है, शायद 120% के आसपास उत्पादकता रही है, अंतिम दिन जब रहेगा सत्र का उस दिन स्थिति स्पष्ट रहेगी। लेकिन बात करें 193 के तहत एक महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है, क्योंकि यूक्रेन और रूस के मध्य जो युद्ध छिड़ा है उसका असर वैश्विक परिदृश्य पर तो पड़ा ही है, भारत पर भी पड़ रहा है। देखिए, जो यूक्रेन और रशिया की जो स्थिति अभी बनी है उसमें जिस तरह से अभी तक हमारे देश ने एक न्यूट्रल ग्राउंड बना करके रखा हुआ है, क्योंकि जितने भी हम देश हैं सबों को कहीं ना कहीं से भारत से लगाव रहता है या फिर बिजनेस सोशियो इकोनॉमी एक लगाव रहता है, और भारत ने अभी तक जो न्यूट्रल ग्राउंड बना करके रखी हुई है उसे उसी तरह से बना कर रखना चाहिए। इस झगड़े में अभी तक जिस तरह से वो अपना स्ट्रैटेजी अपनाए हुए हैं, मुझे लगता है ये आगे भी उसी तरह बना करके रखनी चाहिए। लेकिन इसमें एक मैं इसे सकारात्मक क्रिटिज़म कहूँगा कि उस दौरान जिस तरह से हमारे वहाँ से लोगों को बाहर निकाला गया, मुझे लगता है कि अगले आने वाले समय के लिए सीख होनी चाहिए कि जितने भी लोग हमारे वहाँ फंसे थे और उनको जिस तरह से बाहर लाया गया उसमें पर्याप्त जो है तैयारी नहीं की गई थी। और मुझे लगता है अगले आने वाले समय में कभी भी इस तरह की परिस्थिति रहती है तो देश को ये इसमें या यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं उनको पर्याप्त तैयारी करके आगे रखनी चाहिए ताकि किसी भी इस तरह की सिचुएशन जब भी हो तो उसे हैंडल किया जा सके। क्योंकि वहाँ से जितने छात्र हमारे यहाँ झारखंड में भी आए थे वो जो वहाँ की जो परिस्थिति बता रहे थे, वहाँ पे जो यूक्रेन के मेयर और उनके काफ़ी वीडियोस भी आए, वो लोग जिस तरह से मदद किए, यहाँ से जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई थी। मुझे लगता है कि आने वाले समय के लिए वो सीख होनी चाहिए हमारे हमारे सरकार को कि किस तरह की तैयारी हमें करनी चाहिए। हमारे सहयोगी अमरेंद्र लगातार संसद भवन परिसर में मौजूद हैं। अमरेंद्र, छोटे छोटे रिएक्शन चाहूँगा, एक तो यूक्रेन को लेकर जो आज 193 के तहत चर्चा होने वाली है उस पर, और दूसरा जो व्हिप जारी की जा रही है बीजेपी के राज्यसभा सांसदों को, जो संसदीय दल की बैठक हो रही है, इधर कांग्रेस पार्लियामेंट कमेटी की बैठक हो रही है, कितनी महत्वपूर्ण बैठकें हो रही हैं और क्या कुछ होने वाला है? पृथ्वी में देखिए, अभी मेरी थोड़ी देर पहले कुछ बीजेपी के सांसदों से इस चर्चा के दौरान बातचीत हुई है, उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जी स्वयं इस बीजेपी के संसदीय जो कार्य समिति की बैठक थी उसमें मौजूद रहे, अभी थोड़ी देर पहले संपन्न हुई है, उसमें दो बड़े मोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं वो तय किए गए हैं। कल से लेके और 14 तक अंबेडकर जयंती तक बीजेपी के सांसदों को ये बोला गया है कि सामाजिक न्याय से जुड़े मसलों पे आप बैठ के करें, देश भर में घूम कर सामाजिक सम्मेलनों में आप सहभागिता करें। इसके अलावा एक माननीय सांसद से भी मेरी थोड़ी देर पहले इस चर्चा के दौरान बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि एक लंबी चौड़ी लिस्ट प्रधानमंत्री जी ने सभी सांसदों से कहा, न सिर्फ स्ट्रेटजी, अभी क्योंकि बहुत कम समय बचा है राज्यसभा में, बीजेपी के पास क्या स्टैंड लेने वाले हैं
बिल को लेकर, उस पर तो चर्चा हुई, लेकिन आगामी समय में किस तरह से वो अब जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि चार दिन बाद जब सत्र का समाप्त होगा तो उसके बाद जनता के बीच में किस तरह से जाकर उनको कार्य करना है, इसकी पूरी रूपरेखा प्रधानमंत्री जी ने इस संसदीय बैठक में दी है। तो एक अहम मुद्दा कि 6 से लेकर 14 तक उनको सामाजिक न्याय से जुड़े हुए कई कार्यक्रमों में भाग लेना है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इसी दौरान में कांग्रेस संसदीय दल की भी एक बैठक हुई, जिसमें चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने अपने सांसदों को यह निर्देश दिया कि राज्यसभा में जो बिल हैं उस पर क्या स्ट्रेटजी होगी, उनकी क्या तौर तरीके होंगे, उस पर अपने सांसदों को निर्देशित किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सभी सांसदों को इस बिल के दौरान मौजूद रहना है। तो ये दो अहम अपडेट थे जो मैं आपको बता रहा था। इसके अलावा प्रतिबिंब एक बहुत अहम बिल, क्योंकि स्टूडियो में जो है झारखंड से माननीय सांसद जी हैं, तो उनसे जुड़ा हुआ जो झारखंड से अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़ा हुआ एक जो अहम बिल है वो आज चर्चा के लिए लाया जाना है, जिसको पेश होने की उम्मीद है, जिसमें जो भोक्ता समुदाय जो है जनजाति है उसको जो अनुसूचित जनजाति से हटा के अनुसूचित जनजाति में लाना है। इस तरह का 3 बिल, मतलब लगातार कंटिन्यू अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए 3 बिल, जिसमें एक झारखंड से जुड़ा हुआ बिल आज आ रहा है जो कि राज्यसभा से पारित हो चुका है। इसके अलावा लोकसभा में पिछले दिनों यूपी से जुड़ा हुआ जनजाति से जुड़ा हुआ एक बिल आ गया है, और इसके अलावा एक लिस्टेड है त्रिपुरा से। तो कुल मिला के इस तरह के 3 बिल जिसमें कुछ जनजाति को जो है अनुसूचित जनजाति से हटाकर जनजाति में लाना है, एक लंबी लिस्टेड है। और चूंकि आप झारखंड से आते हैं तो झारखंड में जो ये जो खूंटी और रांची वाला क्षेत्र है वहां पे कई जनजातियां हैं जिन्होंने, उसके बारे में रिएक्शन लूंगा विजय कुमार जी से। विजय कुमार जी, यहां पर पहले भी इसका जिक्र किया गया है कि जब अनुसूचित जाति जनजाति की कैटेगरी में समाहित करने की बात होती है किसी जाति को, तो राज्य सरकारों से कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि राज्यों को इसकी जानकारी बहुत ज्यादा होती है। क्या बात सही है? सही बात है कि राज्यों, जब स्टेट मसला है तो इसमें आपका जाके सलाह राज्य सरकार से बिल्कुल लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा जानकारी है। और जो गतिरोध वहाँ से आ रही है कि जो भोक्ता समाज को आपका जाके एससी से हटा करके एसटी समाज की में सम्मिलित करने की बात आ रही है, तो इसमें जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि स्टेट की जो ओपिनियन है उसे प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे कुछ पारित कर दे रहे हैं और वहाँ के समुदाय उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी जो भोक्ता समाज को जो एसटी में लाने की जो बात कही जा रही है उसमें कई तरह से विरोध हो रहे हैं। लेकिन अभी तक जो देखने को मिल रहा है कि जो स्टेट सरकार का ओपिनियन यहाँ पे लिया नहीं जा रहा है, तो कहीं ना कहीं स्टेट सरकार की ओपिनियन यहाँ प्राथमिकता रखती है और उसे पहले देखना चाहिए। जी, व्हाट इज टीडीपीज स्ट्रेटजी फॉर रेस्ट ऑफ 4 डेज, स्पेशली इन राज्यसभा? No, TDP will participate in the debate. Congress is working very seriously. And even then we will work for the debate, I mean, to function the house in smooth manner. And also house should be in order, and we will participate all the debates, including bills, 0 hours, supplementary, everything. We demand the house also, chairman also, to run the house without any disruption. If the chairman is expected to maintain the rules and to put the house in order, he has to take some steps to run the house, then only the bills will be passed. KV Prasad ji, ye kahin na kahin ye sahi baat hai ki house order mein rehna aavashyak hai, aur abhi tak ki karwai aapne bhi iska samarthan kiya hai ki abhi tak ki jo इस सत्र में कार्रवाई रही है, लोकसभा की बात करें चाहे राज्यसभा की बात करें, वहां पर कहीं ना कहीं सहयोग मिला है विपक्ष का, तभी इतना कार्य हो पाया है दोनों सदनों में। जी, अगर आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब से उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों के चुनाव के परिणाम आए, कांग्रेस इस बारी बहुत ज़्यादा सुचारू नहीं दिखी, खासकर राज्यसभा में कोऑर्डिनेशन या लोकसभा में भी उन्होंने बाकी अन्य विपक्षी दलों के साथ तालमेल बिठा के कोई काम कार्य करने की कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ। कोई भी वजह हो सकती है, शायद कांग्रेस को लग रहा था कि उनके जो वर्चस्व है उसमें कहीं ना कहीं कमी है, तो लोग आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन कल पहला ऐसा सा मुद्दा था जिसके ऊपर विपक्ष एकजुट दिखा। लेकिन जैसे टीडीपी के माननीय सांसद ने बात कही है कि संसद में चर्चा हो, सुचारू हो और कई चीज़ें आगे निकल के आएँ, सब लोग चाहते हैं कि चर्चा के दौरान अपनी बात रखें। लेकिन जैसे कम से कम हमारे इस कार्यक्रम में संसद में आज में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई है, और ऐसी चर्चा सदन के भीतर हो और जो जो सूचीबद्ध कार्य हैं वो संपूर्ण हो, हम यही आशा करते हैं। लेकिन कनक मित्तला जी, आप, विजय कुमार जी आप, और केवी प्रसाद जी आप स्टूडियो में आए और बहुत सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।
यूक्रेन की स्थिति के बारे में हम लोगों ने अभी चर्चा की है, तो लोकसभा में आज नियम 193 के तहत चर्चा होनी है। आरएसपी सांसद एन के प्रेमचंद्रन और कांग्रेस के मनीष तिवारी सदन में ये मामला उठाने वाले हैं, जिसके बाद विभिन्न दलों के सांसद यूक्रेन की स्थिति के बारे में अपने विचार और सुझाव सदन में रखेंगे। यूक्रेन की स्थिति के बारे में 15 मार्च को विदेश मंत्री एस जयशंकर दोनों सदनों में बयान पहले ही दे चुके हैं। उन्होंने बताया था कि यूक्रेन और रूस युद्ध के बीच भारत ने किस तरह ऑपरेशन गंगा शुरू करके वहां से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला और इस दौरान किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लोकसभा में आज द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज अमेंडमेंट बिल 2022 यानी कि सामूहिक संघार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली विधि विरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिच्छेद संशोधन विधेयक 2022 पेश किया जाना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर सदन में विधेयक पेश करेंगे। इसके जरिए 2005 के कानून में और संशोधन किया जाना है। संशोधन विधेयक में जहां ऐसे हथियारों के वित्त पोषण पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया है, वहीं मूल विधेयक सिर्फ इनके उत्पादन को प्रतिबंधित करता है। लोकसभा में संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2022 पर विचार होगा। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा विधेयक को पारित करने का भी प्रस्ताव करेंगे। ये बिल अनुसूचित जनजातियों की सूची में झारखंड के कुछ समुदायों को शामिल करने के लिए संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 1950 का संशोधन करता है। इनमें भोक्ता, देशवारी, गंजू, दौलतबंदी, पटबंदी, राउत, माजिया, खैरी या खेरी, तमरिया या तमरिया और पुरान समुदाय शामिल हैं। झारखंड की एससी सूची से भोक्ता समुदाय को हटाने के लिए संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 में भी संशोधन किया गया है, क्योंकि इस समुदाय को राज्य की एसटी सूची में शामिल किया जा चुका है। राज्यसभा से विधेयक को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स और कंपनी सचिव संशोधन विधेयक 2022 पर राज्यसभा में विचार होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगी। इसके जरिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम 1949, लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम 1959 और कंपनी सचिव अधिनियम 1980 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। विधेयक में संबंधित संस्थाओं में अनुशासनात्मक तंत्र को मजबूत बनाने और मामले का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के प्रावधान हैं। बीते शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में 17 दिसंबर 2021 को ये विधेयक पेश किया गया था। 21 दिसंबर 2021 को इस विधेयक को गहन जाँच पड़ताल के लिए वित्त संबंधी स्थायी समिति को सौंप दिया गया था। बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा की अध्यक्षता वाली समिति ने 23 मार्च 2022 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद इस बिल को सदन में विचार के लिए लाया गया और विस्तृत चर्चा के बाद 30 मार्च 2022 को लोकसभा में विधेयक को मंजूरी दे दी थी। राज्यसभा के एजेंडे में आज दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 भी शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इसके जरिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 का संशोधन कर राष्ट्रीय राजधानी के 3 नगर निगमों का विलय कर एक किया जाना है, ताकि संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित किया जा सके। विधेयक के उद्देश्यों में कहा गया है कि इससे शासन में सुधार और पारदर्शिता लाने में भी मदद मिलेगी। 2011 में इस कानून में बदलाव लाया गया था। उच्च सदन के एजेंडे में संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2022 भी शामिल है। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इसके जरिए संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 1950 का और संशोधन किया जाना है। इसमें त्रिपुरा की अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुकी जनजाति की उपजातियों में डारलोंग समुदाय को शामिल करने का प्रस्ताव है। विधेयक 28 मार्च 2022 को लोकसभा में पारित हो चुका है। लोकसभा में आज के प्रश्नकाल के दौरान कृषि और किसान कल्याण, सहकारिता, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, भारी उद्योग, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय और अधिकारिता और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालयों से जुड़े प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। सांसद अरविंद गणपत सावंत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को सहायता प्रदान करने से जुड़ा सवाल पूछने वाले हैं। सांसद केसरी देवी पटेल कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से खाद्य वस्तुओं के उत्पादन से जुड़ा सवाल करेंगी। सांसद सुशील कुमार सिंह ग्रामीण विकास मंत्रालय से ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमिता से जुड़ा हुआ प्रश्न करने वाले हैं।
सांसद जगदम्बिका पाल भारी उद्योग मंत्रालय से मेथनॉल उत्पादन की क्षमता से जुड़ा प्रश्न करने वाले हैं। सांसद संजय हरिभाऊ यादव खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना से जुड़ा प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद TRVS रमेश मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से आवारा पशु और पशु आश्रय स्थल से जुड़ा हुआ प्रश्न करने वाले हैं। सांसद अनुभव मोहंती ग्रामीण विकास मंत्रालय से मनरेगा के अंतर्गत कम मजदूरी से के भुगतान से जुड़ा हुआ प्रश्न करने वाले हैं। सांसद प्रोफेसर स्वागत रॉय सूचना और प्रसारण मंत्रालय से पंजीकृत प्रिंट मीडिया से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं। सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से पान के पत्तों की खेती से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बिहार में सड़कों के निर्माण से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद कुमारी रामिया हरिदास मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायक इकाइयों को हुई हानि से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछने वाली हैं। सांसद सुनील कुमार ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत विकास में सड़कों के निर्माण से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। डॉक्टर DNV सेंथिल कुमार S सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से छात्रों के लिए छात्रावास से जुड़ा हुआ सवाल करेंगे। सांसद कविता मलोथू सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग योजनाओं से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाली हैं। सांसद देवाश्री चौधरी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से वृद्धाश्रम के रखरखाव से जुड़ा हुआ सवाल करने वाली हैं। सांसद साजदा अहमद ग्रामीण विकास मंत्रालय से मनरेगा के अंतर्गत महिला श्रमिकों से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाली हैं। सांसद राजीव रंजन लल्लन सिंह भारी उद्योग मंत्रालय से इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण उद्योग को प्रोत्साहन देने से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं। सांसद दीप सिंह शंकर सिंह राठौड़ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद चंद्रशेखर प्रसाद कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि बाजार के रूप में उन्नत बनाए जाने से जुड़ा हुआ सवाल करेंगे। सांसद NK प्रेमचंद्रन गृह मंत्रालय से पुलिस सेवा की गुणवत्ता से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं। राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान आयुष रसायन और उर्वरक कॉरपोरेट कार्य वित्त स्वास्थ्य और परिवार कल्याण नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालयों से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाएंगे। सांसद गीता उर्फ चंद्र प्रभा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय से पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व CSR निधि से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगी। सांसद कनक मेदला रविंद्र कुमार वित्त मंत्रालय से आंध्र प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध संशोधन विधेयक 2021 से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। सांसद नीरज डांगी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से चिकित्सा उपकरणों की खरीद में भ्रष्ट आचरण की घटनाओं से संबंधित सवाल पूछने वाले हैं। सांसद शक्ति सिंह गोहिल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से देश में ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मौतों के डाटाबेस से जुड़ा हुआ सवाल करेंगे। सांसद डॉक्टर V शिवदासन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से COVID-19 टीकाकरण की स्थिति से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद हर्ष वर्धन सिंह डूंगरपुर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से खाद्य उत्पादों की लेबलिंग से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद KRN राजेश कुमार रसायन और उर्वरक मंत्रालय से उर्वरकों के घरेलू उत्पादों से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं। सांसद GC चंद्रशेखर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से देश में चिकित्सकों और नर्सों का प्रति रोगी अनुपात से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं। सांसद बिनोय बिस्वम वित्त मंत्रालय से कॉरपोरेट कंपनियों द्वारा लाभ को विदेशों में स्थानांतरित किए जाने से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद विशंबर प्रसाद निषाद वित्त मंत्रालय से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के NPA से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद डॉक्टर विकास महात्मे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से हृदय वाहिका रोगों के कारण होने वाली मौतों से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं। सांसद जवाहर सरकार वित्त मंत्रालय से कॉरपोरेट टैक्स में कटौती के प्रभाव से संबंधित सवाल पूछने वाले हैं। सांसद छाया वर्मा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कार्यरत संविदा कर्मियों को हटाए जाने से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछने वाली हैं। सांसद TG वेंकटेश स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से आंध्र प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के विकास से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं। सांसद सुभाष चंद्र बोस पिल्ली पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से विशाखापट्टनम पतन न्यास
में रिक्तियों से जुड़ा हुआ प्रश्न करने वाले हैं। फिलहाल संसद में आज में इतना ही। अब से कुछ देर में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने जा रही है। संसद टीवी लोकसभा पर, लोकसभा और संसद टीवी राज्यसभा पर आप राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण देख सकते हैं, तो बने रहिए संसद टीवी के साथ। लेकिन जाने से पहले, आपसे आज्ञा लेने से पहले, अपने दोनों सहयोगियों अमरेंद्र गुप्ता और सूरज मोहन झा का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। दोनों का धन्यवाद मुझे दीजिए आज्ञा। कल फिर मुलाकात होगी। फिलहाल बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।